योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति का असर धरातल पर दिख रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लोग जागरूक होकर शिकायत कर रहे हैं, तो वहीं कार्रवाई भी की जा रही है। ऐसा ही एक मामला शामली जिले में घटित हुआ, जहां एंटी करप्शन की सहारनपुर और मेरठ की संयुक्त टीम ने जिला शामली की सदर तहसील में तैनात एक लेखपाल को किसान से 15,000 रूपये की रिश्वत लेते कृष्णा नदी के पुल से रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एंटी करप्शन की टीम लेखपाल से आदर्श मंडी थाने में पूछताछ कर रही है। प्रकरण में मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। शिकायतकर्ता जो है हमारा वो है क्या नाम अमरदीप है, तनोप रविंदर सिंह, निवासी ग्राम मथेड़ी, थाना रतनपुरी, जिला मुजफ्फरनगर। इसकी कुछ जमीन है ननिहाल में, ग्राम बंती खेड़ा में, तो वहाँ जो है इसका बात चल रहा था परिवार में, और उसकी जो है बाद में आदेश हो गए थे कुरेबंदी के, और कुरेबंदी का आदेश लेखपाल जो है वसीम चौहान है मृत के, उनके पास पहुंचा। उन्होंने जो है इससे 50,000 रुपये की मांग की, और 50,000 में 30,000 रुपये में मामला तय हुआ। तय होने के 15,000 पहले और 15,000 बाद में तय हुआ। 15,000 रुपये लेके शिकायतकर्ता हमारे पास पहुंचा, उसको लेकर हम आए, नोटों को चीज किया, और चीज करने के बाद जो है उसने लेखपाल को दिए, और लेख जैसे उसने दिए तो हम चारों तरफ लगे थे, बिछाए थे, जाल बिछाए थे, और उसको पकड़ लिया।